हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कोलकाता पुलिस से डिपार्टमेंट से यहाँ पर बहुत बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, इसका डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा और किस तरह से आप जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, पोस्ट जो है यहाँ पे आपको M.O जनरल ड्यूटी सिस्टर इंचार्ज नर्स ग्रेड 2। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे M.O जनरल ड्यूटी जिसका नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 और सैलरी रहेगा इसका 40,000 एंड सिस्टर इंचार्ज के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 1 जिसका सैलरी रहेगा आपको 20,000 पर मंथ। उसके बाद है यहाँ पे नर्स ग्रेड 2 नंबर ऑफ वैकेंसी 6 एंड सैलरी रहेगा इसके 18,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद है द एज ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट शैल नॉट नॉर्मली एग्जिस्ट 50 ईयर्स। द एप्लीकेंट स्मार्ट प्रोसेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज फॉलो। तो फर्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे M.O जनरल ड्यूटी MBBS शुड बी रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिलिंग। द कैंडिडेट हेल्स फ्रॉम द अदर स्टेट शुड गेट रजिस्टर्ड विद द वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल विद इन 1 मंथ फ्रॉम हिज और हर डेट ऑफ एंगेजमेंट। तो ये था जो कि M.O जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए। उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे है सिस्टर इंचार्ज के लिए, यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद स्टाफ नर्स जो कि है इसके लिए आपको जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी शुड बी रजिस्टर्ड ऑफ द वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिलिंग आपको इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है द एप्लीकेंट हैज़ टू प्रोड्यूस यूज द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एच प्रूफ क्रास्ट प्रूफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल 2 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल सपोर्ट ऑफ दिस हर कैंडिडेट ड्यूरिंग वर्किंग इंटरव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉकिंग इंटरव्यू आपको जो कि होगा, कोई भी आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कोई भी आपको एप्लीकेशन करना नहीं होगा, आपको ऑनलाइन में जाके आपको जस्ट वॉकिंग इंटरव्यू को डेट दिया जाएगा, उस डेट में जाके आपको वॉकिंग इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसके लिए यहाँ पे द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी मेड बेस्ड द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सिलेक्शन क्राइटेरिया अदर पोस्ट जो किया है यहाँ पे दिया है द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी मेड बेस्ड ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड। उसके बाद जो है यहाँ पे जो इंटरव्यू डेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है M.O जनरल ड्यूटी के लिए, यहाँ पे आपको 26 नवंबर 2018 में आपको वर्किंग इंटरव्यू होगा। सिस्टर इंचार्ज एंड स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 26 नवंबर 2018 में ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा और इसका एड्रेस है यहाँ पे कोलकाता पुलिस हॉस्पिटल 2 बेनियानंदन स्ट्रीट कोलकाता 70025। तो दोस्तों, इसका मैं जो नोटिफिकेशन है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया गया है, इसको आपको फिलअप करना होगा जिसमें आपको आपका पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ फुल नेम फादर्स नेम एड्रेस जिसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड डेट ऑफ बर्थ एज सेक्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिटी एक्सपीरियंस सब कुछ देख के आपको यहाँ पे जो कि इस फॉर्म को लेके आपको जाना होगा वर्किंग इंटरव्यू के दिन, उसके बाद आपको वर्किंग इंटरव्यू होगा। तो ये था कोलकाता पुलिस के रिसेंटली जो पोस्ट निकला उसका डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।